प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा एक बार पुनः आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी जो कलाम का जो प्री सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो कॉलेज वाले क्वेश्चन आए थे, आज अपन उनको डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ पे उस पेपर के अंदर लगभग 50 से 52 क्वेश्चन कॉलेज सिलेबस से पूछे गए, तो आज उनको अपन डिस्कशन करके देख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अवकल समीकरण से पूछा गया था, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे अपने को इसका विचित्र हल पूछा गया है, तो वैसे तो विचित्र हल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे नोड निकालते हैं, वो व्याकरण निकालते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो शॉर्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और वो शॉर्ट मेथड ये है कि इसका पी के सापेक्ष आंशिक अवकल कर देंगे, इसका पी के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, आंशिक अवकल कर देंगे। पी के सापेक्ष अगर अपन इसका आंशिक अवकल करेंगे तो कितना आएगा, 0 यहां से आ जाएगा, एक्स प्लस 3 पी स्क्वायर। सबसे पहले पी के सापेक्ष आंशिक अवकल करना है, फिर पी का विलोप करना है। पी को इलिमिनेट करने से क्या आ जाएगा, विचित्र हल आ जाएगा। यहां से अगर अपन देखें तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब अपने को समीकरण नंबर 1 और 2 से पी का विलोप करना है, तो समीकरण नंबर 1 से मैं पी कॉमन ले रहा हूं, यहां बन जाएगा एक्स प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने माइनस एक्स अपॉन 3 रख दिया, ये रख दिया। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है 2x/3 बन रहा है। अब वापिस यहां पे एक पी बचा हुआ है, तो इस पी को इलिमिनेट करने के लिए वापिस अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। भाई यहां से एक तरीका तो ये कि पी का वैसे अपन मान निकाल के यहां पे रखें, दूसरा तरीका ये कि स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 4x/9। पी स्क्वायर का मान यहां पर रख देंगे, ये आ जाएगा 4x/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 27y² बराबर आ रहा है -4x³। यानी यहाँ पे अगर अपन देखें तो 27y² + 4x³=0। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल आसानी से अपन ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है वक्र 2/r इजिकल टू, ये दे रखा है। वैसे तो अगर अपन देखें तो ये जो स्कूल वाला सिलेबस है उसके अंदर 2D के अंदर जो नया सिलेबस जोड़ा गया है, सांकव का जो ध्रुवीय समीकरण है, पोलर इक्वेशन ऑफ जो कॉनिक है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखें तो जो सांकव होता है उसका ध्रुवीय समीकरण ये होता है, L/R बराबर होता है 1+E cos θ, इस फॉर्म में होता है। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा सबसे पहले यहाँ पे 1 बना लिया करो। 2-3 बातें यहां से पूछ सकते हैं, या तो देखो जैसे ये पूछेंगे कि ये किसका समीकरण है, तो सबसे पहले यहां पे 1 बना लेंगे। 1 बनाने के बाद में ये देखेंगे E का मान कितना आ रहा है, यदि E का मान 1 आ रहा है तब तो ये किसका समीकरण हो जाएगा, परवलय का। अगर E का मान ग्रेटर देन 1 है तब ये हो जाएगा अति परवलय, और E का मान अगर लेस देन 1 है तब ये हो जाएगा दीर्घवृत्त, तब ये दीर्घवृत्त होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहां पर अपन 1 बनाते हैं। यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैंने 5 यहां से कॉमन ले लिया, या अपन ऐसे कह सकते हैं पूरी इक्वेशन में मैंने 5 का भाग दे दिया, तो इधर आ जाएगा 2/5/r, यहां बन जाएगा 1+3/5 cos θ प्लस आ जाएगा 4/5 sin θ, ये आ जाएगा। अब यहां पे इसकी अपने को इस टाइप की फॉर्म बनानी है, और इस टाइप की फॉर्म बनाने के लिए 3/5 को एक बार मैं मान लेता हूं साइन अल्फा मान लेता हूं, या 3/5 को अपन मान लेते हैं कोस अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि अपने को ये फॉर्मूला बनाना है। तो अगर यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी की अगर फॉर्म बन जाती है तो ये फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, कोस का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। तो 3/5 को मैंने साइन अल्फा मान लिया, सॉरी 3/5 को मैंने कोस अल्फा मान लिया, तब साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, √1 cos²α होता है, तो ये आ जाएगा 9/25, यानी साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बन रहा है, 2/5 1+3/5 को अपन लिख सकते हैं कोस अल्फा, और 4/5 को अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको अगर अपन देखें तो ये बन रहा है 2/5/r
बराबर 1 प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर अपन इसकी इससे कंपेयर करें तो यहाँ e बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और e बराबर 1 आ रहा है इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, परवलय की इक्वेशन है, खुद के अंदर था, यानी इसेंट्रिसिटी है वो 1 आ रही है, इसका मतलब ये किसका समीकरण हो जाएगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। इसकी एक मैं सांखव का ध्रुवीय समीकरण है, इसकी एक दो दिन में मैं एक क्लास भी डाल दूंगा, यहाँ से कम आपको एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं, जो मेन एग्जाम है क्योंकि नया टॉपिक इस बार ऐड किया गया है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना होता है, जो भी अपने को इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे वन बनाना है, तो यहाँ वन बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, पाँच का भाग दिया था, फिर यहाँ से इसकी उत्केंद्रता देख लेंगे। तो पहले अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, फिर इसकी उत्केंद्रता देखी है, तो ई का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखो अवकल समीकरण पूछ रखी है, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने का सबसे पहला जो तरीका है वो है चरों के पृथक्करण की विधि। अवकल समीकरण को क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी अवकल समीकरण है, यहाँ अपन देख रहे हैं dy अपॉन dx है, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात है, तो इसका मतलब ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है, और उसको हल करने के लिए अपन जानते हैं सबसे पहला मेथड होता है चरों के पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड तभी लगेगा जब यहाँ पे इसके अपन फैक्टर कर सके, यहाँ जो फंक्शन है उसमें x के पद को अलग कर सके और y के पद को अलग कर सके, अगर ऐसा कर सकते हैं तभी इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड लग सकता है, लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, y को अलग करना और x को अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब चरों के पृथक्करण की विधि इसके अंदर नहीं लगेगी। फिर दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण, अगर यहाँ पे मान लो x प्लस वाई का फंक्शन है, या इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसको हमेशा क्या मानना चाहिए, v मान लेना चाहिए, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसको v मानने से वो चरों के पृथक्करण में बदल जाता है, लेकिन वैसी फॉर्म में यहाँ पे नहीं है। अब आगे अगर अपन देखें तो थोड़ा सा अगर अपन इसको ऐसे लिख लें x dy अपॉन dx, इसको log y माइनस log x है, इसको मैं लिख सकता हूँ log y अपॉन x लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, यहाँ से dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, y log y अपॉन x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा x आ जाएगा, ये आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा y log y अपॉन x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा। अब यहां पे अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये समघात अवकल समीकरण है या नहीं, और समघात अवकल समीकरण को चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है x की जगह लेमडा x कर दिया करो, y की जगह लेमडा y कर दिया करो, ऐसा करने पे पूरा लेमडा बाहर आ जाना चाहिए और फंक्शन ऐसा कैसा बचना चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं x की जगह अगर लेमडा x करेंगे, y की जगह लेमडा y करेंगे, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक लेमडा बाहर आएगा, यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से भी एक लेमडा बाहर आ जाएगा, यानी लेमडा की पावर जीरो बाहर आ जाएगा और फंक्शन ऐसा कैसा बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, यहां से अगर अपन देखें तो लेमडा की पावर एक बाहर आ रहा है, यहां से भी लेमडा की पावर एक बाहर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी एक घात का समघात फलन है और नीचे भी एक घात का समघात फलन है, तो इसको अपन प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण कह सकते हैं, प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण इसको अपन कह सकते हैं। और प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका होता है वाई बराबर मान लेंगे वी एक्स, वाई बराबर अगर वी एक्स मानेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर y बराबर रख दो वी एक्स रख दो, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, y की जगह रख देंगे अपन वी एक्स रख देंगे, यहां भी y की जगह अगर मैं वी एक्स रखूंगा तो v से v, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां बन जाएगा log v प्लस 1, नीचे x आएगा इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है v log v प्लस v, इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। अब चरों को पृथक करके वेरिएबल को सेपरेट करके अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट करके अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से अगर अपन देखें तो ये बन रहा है डी वी अपॉन v log v, और इधर आ जाएगा कितना डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लोग वी बराबर मान लेंगे टी मान लेंगे, लोग वी बराबर टी मानेंगे तो वन अपॉन वी डी वी बराबर डी टी आ जाएगा, डी टी अपॉन टी लोग टी, और लोग टी
समाकलन आएगा लोग टी, टी का मान वापिस रख देंगे और इधर आ जाएगा लोग अक्स प्लस कोस्टेंट हो जाएगा लोग सी हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो लोग एम प्लस लोग एन का सूत्र अगर यहां पे लगा दें तो लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा लोग वी बराबर आ जाएगा सी एक्स, ये आ जाएगा। यहां से वी बराबर अगर अपन देखें तो ई की पावर सी एक्स आ जाएगा, वी का मान वापिस रख देंगे, वी की जगह रख देंगे वाई अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा वाई बराबर एक्स ई की पावर सी एक्स। तो यहां पे अगर अपन देखें तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, सी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। यानी प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी अवकल समीकरण है, अगर ये पता लग जाएगा तो फिर आसानी से उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। ज्यादातर जैसे रेखीय का अवकल समीकरण है, बर्नौली का अवकल समीकरण है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ओबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह ओबेली होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ओबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है, ये बात भी ठीक है। ओबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय समूह होता है, ये जरूरी नहीं है, ये होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये स्टेटमेंट है, इनको अच्छी तरह रिविजन कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो थ्योरम के स्टेटमेंट, क्योंकि इनका कोई प्रूफ वगैरह तो अपन देख नहीं पाएंगे, तो इनको लर्न कर लो अच्छी तरह, इसको रिविजन कर लो इनका। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है, देखो सांकव का ध्रुवीय समीकरण दे रखा है, अभी अपन ने बात की थी एल अपोन आर बराबर वन प्लस ई कोस थीटा की फॉर्म लिख लिया करो, यानी यहां वन बनाना है। अब यहां अगर वन बनाना है तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को अपन इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से दो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, फोर अपॉन आर माइनस वन प्लस वन वाई टू कोस थीटा, ये आ जाएगा। एल अपॉन आर बराबर वन प्लस ई कोस थीटा भी होता है और एल अपॉन आर बराबर माइनस वन प्लस ई कोस थीटा भी होता है और एल अपॉन आर बराबर वन माइनस ई कोस थीटा भी होता है। ये सारे सांकव के ध्रुवीय समीकरण है, जब डेरिवेशन अपन करते हैं तो ये चारों पांचों केस आते हैं इसके अंदर। तो यहां मैंने इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां पे अगर अपन देखें तो उसके अंदर का मान आ रहा है वन बाई टू विच इज लेस देन वन, तो इसका मतलब ये किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। अगर अपने को ये पूछा जाता किसका समीकरण है तो अपन कहते दीर्घवृत्त का, यहां नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है। यहां से अगर अपन इससे कंपेयर करें तो यहां पे अपन देखें तो एल का मान कितना है, चार है, इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं तो एल का मान आ रहा है चार, तो नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, अपन जानते हैं नाभिलंब की लंबाई होती है टू एल होती है, 2L होती है। तो यहां से आ जाएगा दो गुणा चार, यानी कितना आ जाएगा, आठ, आठ आ जाएगा। तो यहां पे अगर अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां पूछा गया था। निम्न में से सरल ग्रुप है, सरल ग्रुप की डेफिनेशन भी एक बार एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। सरल ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, वह ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो। अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप तो होते ही होते हैं, कोई भी ग्रुप अगर आप जी ले रहे हो तो उसके कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं, एक तो ई होता है और एक जी स्वयं होता है, हालांकि ये जी के ऑर्डर पर निर्भर करता है, एक बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो उपग्रुप होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जी है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दे रखा है कि जी पर निर्भर तो वो ध्यान रखना है, तब ऑप्शन सही रहेगा जी पर निर्भर। वैसे अगर अपन देखें तो प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो उपग्रुप होंगे जिनको अपन कहते हैं विषम उपग्रुप, इसके अलावा जो उपग्रुप होते हैं, इसके अलावा जो विशिष्ट उपग्रुप होते हैं उनको अपन कहते हैं उचित विशिष्ट उपग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, और अपन ये बात जानते हैं कि उचित विशिष्ट उपग्रुप किसका विद्यमान नहीं होता है, अभाज्य कोटि के ग्रुप का, अभाज्य कोटि का अगर कोई ग्रुप है तो उसका कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप या उचित उपग्रुप विद्यमान नहीं होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ जी बराबर मैंने ले लिया, मान लो सात ले लिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर अपने सात ले लेंगे तो इसके जो सब ग्रुप हैं उनका ऑर्डर या तो एक हो सकता है या क्या हो सकता है, सात हो सकता है। एक का जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, तत्समगामी वाला हो जाएगा, और सात वाला क्या हो जाएगा, जी खुद हो जाएगा। तो अपन ये बात जानते हैं कि यदि कोई ग्रुप अभाज्य कोटि का ग्रुप है तो वो हमेशा क्या होता है, सरल ग्रुप होता है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो अभाज्य कोटि का ग्रुप एक ही है, केवल ये है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना है, यहां पर तीन है, तीन है, देखो ऑर्डर ऑफ जी बराबर तीन है, तो ये अभाज्य कोटि का ग्रुप है, तो ये क्या होगा, सरल ग्रुप होगा। तो सीधा सा अगर आपको ये पूछा जाए कि सरल ग्रुप का उदाहरण बताओ तो कोई भी अभाज्य कोटि का ग्रुप आप ले सकते हो, अभाज्य कोटि का ग्रुप हमेशा क्या होता है, सरल ग्रुप होता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ये एक समुच्चय दे रखा था, इस संक्रिया के लिए ग्रुप इस तरीके से दे रखा था, इसका प्रतिलोम अपने को पूछा गया था। तो सबसे पहले तो अपन इसका मान निकालते हैं,
संक्रिया को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक ही बी से संक्रिया करवाएंगे तो पहले दोनों को गुणा कर देंगे फिर तीन का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे फिर इसमें तीन का भाग देंगे तो इसका मान आएगा आठ, आठ आएगा। अब अपने को प्रतिलोम अवयव निकालना है, तो प्रतिलोम अवयव निकालने से पहले हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। तत्समक अवयव अपन निकालेंगे और तत्समक अवयव निकालने की डेफिनेशन ये होती है ए स्टार ई बराबर ए, ये डेफिनेशन होती है। ए स्टार ई का मान यहां से देखें तो ए ई अपॉन थ्री आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आ गया तीन, तीन आ गया, तत्समक अवयव तीन हो गया। अब आठ का प्रतिलोम मैंने मान लिया पी मान लिया, तो आठ का प्रतिलोम अगर पी है तो आठ को पी से संक्रिया करवाने भी क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। यहां से अगर अपन देखें तो एट पी इस इन दोनों की संक्रिया वहां से करवाएंगे तो इतना आएगा, यहां से पी बराबर आ जाएगा कितना, नाइन वाई एट आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन अगर अपन देखें तो डी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। अंतर्वेशन सूत्र निम्न आधारभूत मानने पर आधारित है कि डेटा प्रदर्शित किया जाता है, जितने भी अपन सूत्र का जब डेरिवेशन करते हैं जैसे न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र है, पस्ट सूत्र है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, n घात का बहुपद लेते हैं, वहां पर n घात का बहुपद लेके फिर उसका डेरिवेशन अपन करते हैं, n घात का बहुपद लेते हैं वहां पर, जब भी न्यूटन ग्रेगरी अगर सूत्र पस्ट सूत्र जब अपन बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, जब इनके डेरिवेशन अपन करते हैं तो वहां n घात का बहुपद अपन लेते हैं फिर इनका डेरिवेशन करते हैं। तो यहां रैखिक फलन, द्विघात फलन ये बातें सही नहीं है, बहुपद फलन, इनका प्रूव करने के लिए n घात का बहुपद लिया जाता है फिर इनका प्रूव किया जाता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां पूछा गया था, ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ w, ग्रेडियंट ऑफ u अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है i केप डेल u अपॉन डेल x प्लस j केप डेल u अपॉन डेल y प्लस k केप डेल u अपॉन डेल z। डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे वन आएगा, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वन आएगा, इसका जेड के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करेंगे तो भी वन आएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया अपन ने। ऐसे ही अगर अपन ग्रेडियंट ऑफ वी निकालेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ वी कितना आ जाएगा, आई केप डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया टू एक्स, जे केप डेल वी अपॉन डेल वाई होगा यानी कितना हो जाएगा टू वाई, प्लस के केप डेल वी अपॉन डेल जेड यानी टू जेड, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। फिर ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू अपन निकालेंगे, आई केप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डब्ल्यू का एक्स के सापेक्ष अगर अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा जेड प्लस वाई, वाई के सापेक्ष अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह बनेगा जेड प्लस एक्स। इसका अगर अपन z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y प्लस x आएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड, थर्ड हो गई। अब यहां पे जो अपने वो पूछा गया है तो उसके लिए अगर अपन देखें तो लंबिक लंबिक वाली प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई नहीं होगी, समतलीय वाली अगर अपन इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट करवाते हैं, ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v और ग्रेडियंट ऑफ w, तीनों का अगर अपन बॉक्स प्रोडक्ट करवाएंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और अपन ये बात जानते हैं कि तीन बॉक्स प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं, सबसे पहले अपन सारणिक लिख लेंगे, उस सारणिक में आई केप का कंपोनेंट लिखेंगे, जे केप का कंपोनेंट लिखेंगे, ये लिखेंगे, ऐसे ये लिखेंगे, तीसरी रो में ये लिखेंगे, देखो फिर उसको जब सोल्व करोगे तो उसका मान जीरो आएगा। और अपन ये बात जानते हैं कि यदि तीन सदिशों का बॉक्स प्रोडक्ट अगर जीरो है, अदिश त्रिगुणनफल अगर जीरो है तो वो क्या होते हैं, तीनों समतलीय सदिश होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतलीयता से संबंधित कई बार पूछी जाती है ऐसी प्रॉपर्टी, तो नोवे में बी ऑप्शन यहाँ ठीक रहेगा। ये जो क्वेश्चन है लोग वाले जितने भी क्वेश्चन है वो होते हैं कोसी संघनन परीक्षण से, कोसी संघनन परीक्षण सीरीज का क्वेश्चन है और कोसी संघनन परीक्षण से ये क्वेश्चन होते हैं। कोसी संघनन परीक्षण में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो एनवा पद होता है उसको अपन डिनोट करते हैं एफ एन से, एक बार मैं बताता हूं कि एनवा पद है उसको अपन डिनोट करेंगे एफ एन से। फिर ये थ्योरम ये कहती है कि एफ एन और ए एन एफ एन दोनों या तो अभिसारी होते हैं या अपसारी होते हैं, जहां ए को क्या माना जाता है, ग्रेटर देन वन माना जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो जो भी अपने को सीरीज दे रखी है उसका जो एनवा पद है, यहां पे अगर अपन एनवा पद देखें तो इसको पहला पद मान लो, अनंत पदों की श्रेणी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहला पद है उसको श्रेणी बनाने के लिए मैंने जैसे वन अपॉन लोग वन लिख लिया, तो इसका जो एनवा पद है उसको अपन कह सकते हैं वन अपॉन लोग एन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं अनंत पदों की श्रेणी में पहला पद जोड़ दें या हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो एनवा पद अपन इतना मान सकते हैं। अब इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एफ एन से, तो एफ एन बराबर हो जाएगा कितना, वन अपॉन लोग एन।
सबसे पहले जो एन वा पद है उसको एफ एन से डिनोट करते हैं। अब अपन इसका मान निकाल रहे हैं, ए एन एफ एन का मान निकाल रहे हैं, तो ए एन आ जाएगा, एफ एन का मतलब कितना हो जाएगा, एन की जगह लिख देंगे इसमें ए एन लिख देंगे, एन की जगह मैंने ए एन लिख दिया। अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा ए एन घात को अपन पहले लिख सकते हैं, तो वन अपॉन एन लोग ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये जो श्रेणी है इसको अपने को पहचानना है कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी, तो इसको मान लिया सपोज मैंने एक बार वी एन मान लिया या यू एन मान लिया, एक ही बात है, इसको मैंने मान लिया यू एन मान लिया। अब एनवा पद अगर इतना है ऊपर, अगर ये टर्म नहीं होती तब तो अपन क्या करते हैं इसमें द्वितीय तुलना परीक्षण सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी ये दे रखा है तो इसको अपन पहचानेंगे, जो डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उससे अपन पहचानेंगे। यू एन बराबर कितना आ गया, देखो यू एन बराबर ये है ए एन अपॉन एन लॉग ए है, यू एन प्लस वन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा ए की पावर एन प्लस वन, नीचे आ जाएगा एन प्लस वन लॉग ए, आ जाएगा एन प्लस वन वापस मैंने निकाल लिया। अब अगर अपन देखें तो यू एन में अगर मैं यू एन प्लस वन का भाग देता हूं तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन एन लॉग ए इंटू आ जाएगा, इस स्टेप को ऊपर ले जाएंगे, एन प्लस वन लॉग ए अपॉन में आ जाएगा ए एन प्लस वन, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, ए की पावर एन से ए की पावर एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बराबर कितना आ रहा है, अब इसमें अपन क्या करेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, तो इधर भी अगर अपन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, यानी एन निर्धारी रूप बनेगा, तो इसलिए ऊपर से अपन एन कॉमन ले लेंगे, ऊपर से अपन क्या करेंगे एन कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा वन अपॉन ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसमें अपन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो इसका मान आएगा वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, और कोसी संघनन परीक्षण में ए को क्या माना जाता है ग्रेटर देन वन माना जाता है, तो वन अपॉन ए क्या हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा, और जब वन अपॉन ए लेस देन वन होगा तो अपन जानते हैं डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में जो श्रेणी होती है वो क्या होती है अपसारी होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक रहेगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो लोग वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कोसी संघनन परीक्षण से होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर अपन क्या करेंगे जो एनवा पद है उसके अंदर एफ एन से उसको डिनोट करेंगे, यू एन को अपन डिनोट करेंगे एफ एन से, फिर अपन किसका मान निकालेंगे ए एन एफ एन का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और फिर इसको पहचानेंगे कि ये श्रेणी कौन सी है। यहां पर ए को अपन मानेंगे ग्रेटर देन वन, जो कोसी संघनन परीक्षण का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन वन होता है तब इस श्रेणी की बात अपन करते हैं, तो वही मैंने यहां पर किया था ए एन एफ एन का मान निकाल लिया था, फिर उसको मैंने पहचाना था कि वो श्रेणी कौन सी होगी। यहां अपन देखें तो ये गॉस एब्सेंट प्रमेय, गॉस एब्सेंट प्रमेय की तीन चार स्टेटमेंट वहां दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट तो ये होता है भाई एफ डॉट अगर यहां पे है मान लो डीएस, एफ डॉट डीएस है तब तो वो होता है किसके बराबर डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर, और अगर यहां पे क्रॉस है ये ध्यान रखना अगर क्रॉस है तब ये बराबर होता है किसके कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ के बराबर होता है, तो यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, ये लिख सकते हैं गॉस एब्सेंट प्रमेय से, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं गॉस एब्सेंट प्रमेय से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और अपन जानते हैं कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर है इसका मान कितना होता है 2a होता है, बार बार एग्जाम में कई जगह काम आता रहता है, इसको याद ही कर लो 2a कॉन्स्टेंट हो गया, यहां बचेगा वन, और वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा v आ जाएगा, तो यहां अगर अपन देखें तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। अवकल समीकरण दे रखिए, इसका विशिष्ट समाकल पूछा गया है, केवल अपने को पर्टिकुलर इंटीगल निकालना है, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स आ जाएगा। अब कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको अपन चेंज कर लेंगे ई की पावर एक्स में, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स है, इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स वाई टू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहां से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा वन वाई टू, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं डी माइनस ए डी प्लस ए, साथ में ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा डी माइनस ए डी प्लस ए, साथ में आ जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स, ये आ जाएगा 1 वाई टू यहां से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा।
अब अपन ये बात जानते हैं यहां पे अगर e की पावर ए एक्स हो तो अपन क्या करते हैं, d की जगह x का कोफिशियंट लिखते हैं, लेकिन ऐसा करने पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा है वहां तो d की जगह x का कोफिशियंट कर दो, और जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे अपन ये सूत्र काम में लेंगे, वन अपॉन डी माइनस अल्फा की पावर एन ई की पावर अल्फा एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ई की पावर अल्फा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां देखो मैं डी की जगह अगर एक्स का गुणांक लिखूंगा तो जीरो नहीं हो रहा है, तो यहां तो मैं सीधा डी की जगह एक्स का कोफिशिएंट लिख रहा हूं तो टू ए बन गया देखो ये, और यहां अगर अपन देखें तो जीरो बन रहा है, तो इसकी अपन केवल घात देखेंगे। देखो यहां अगर घात एन होती है तो सूत्र होता है एक्स की पावर एन, यहां पर घात कितनी है वन है तो आएगा एक्स की पावर वन, फिर नीचे फैक्टोरियल वन, साथ में आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, ये आ जाएगा। यहां डी की जगह अपन एक्स का गुणांक लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, d की जगह x का गुणांक लिखेंगे माइनस टू ए आएगा। यहां d की जगह x का गुणांक लिखने पे जीरो बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसकी घात देखेंगे, घात कितनी होगी इसकी वन, तो x की पावर वन फैक्टोरियल वन e की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको अगर अपन सोल्व करें पूरे में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से x और a कॉमन ले लेते हैं, x अपॉन टू ए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू, ये बन जाएगा। और ये अगर अपन फॉर्मूला देखें तो किसका फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला है। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो ठीक रहेगा, सी ऑप्शन है वो इसके अंदर ठीक रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिविजन बार बार कर ले, आप बार बार रिविजन कर लें। यहां अगर अपन देखें तो इसके क्रम में परिवर्तन करना है, जब भी डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ हो क्रम में परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले ये देखना कि जो समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को देख के अपने को सबसे पहले ये देखना कि पहले समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया है। तो यहां पे अगर अपन समाकलन की लिमिट देखें तो समाकलन की लिमिट दे रखी है एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर इनफाइनाइट, वाई की लिमिट दे रखी है, देखो वाई बाद में लिख रखा है तो ये वाई की लिमिट है, वाई की लिमिट है वाई बराबर एक्स से वाई बराबर इनफाइनाइट। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, देखो x बराबर जीरो का मतलब तो ये हो गया, ये x बराबर जीरो है, x बराबर इनफाइनाइट मैं यहां मान लेता हूं, ये x बराबर इनफाइनाइट है, y बराबर x, ये y बराबर x मान लिया मैंने, ये y बराबर x है, जहां पे y बराबर x और x बराबर इनफाइनाइट मिलेंगे वहां पे y बराबर इनफाइनाइट होगा, तो ये हो गया y बराबर इनफाइनाइट, ये जो बिंदु है वो हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जो बिंदु है वो हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि पहले समाकलन कौन से क्षेत्र पे किया गया था, तो पहले जो समाकलन की पट्टी बनी हुई थी, यहां अगर अपन देखें तो पहले समाकलन y के सापेक्ष किया हुआ, इसका मतलब समाकलन की पट्टी पहले ऐसे बनी हुई थी, और पट्टी किस किस के बीच में बनी हुई थी, y बराबर x और y बराबर इनफाइनाइट के बीच में, इससे अपने को पता चलेगा कि स्ट्रिप कहां पर बनी हुई थी। तो y बराबर x ये हो गया, y बराबर इनफाइनाइट ये हो गया, यानी पहले समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ था, पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था, पहले जो समाकलन किया गया था वो इस क्षेत्र पे किया गया था, और समाकलन की पट्टी ऐसे बनी हुई थी, यानी पहले जो पट्टी बनी हुई थी वो y x के समांतर बनी हुई थी, पहले जो पट्टी बनी हुई थी वो y x के समांतर बनी हुई थी। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए इस पट्टी को अपन बना देंगे x अक्ष के समांतर बना देंगे, इस पट्टी को अपन बनाएंगे x अक्ष के समांतर, और पट्टी अगर x अक्ष के समांतर बनती है, इस पट्टी को अपन बनाएंगे x अक्ष के समांतर बनाएंगे, अगर पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y वाली लिमिट तो होती है कॉन्स्टेंट, ये देखो इस क्षेत्र के लिए y का मान कहां से कहां तक है, यहां पे y बराबर कितना हो जाएगा जीरो, यहां y बराबर अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, y बराबर जीरो से हो जाएगा y बराबर इनफाइनाइट तक। x की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर x बराबर जीरो को टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है x बराबर y को टच कर रही है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो समाकलन के क्रम में जब भी परिवर्तन करना हो, यहां dx dy लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले समाकलन अपने को y के सापेक्ष करना है, लेकिन कई बार पहले समाकलन y के सापेक्ष संभव नहीं होता, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को अच्छी तरह देखना, आपको जो भी समाकलन दिया हुआ है उसकी लिमिट को अच्छी तरह देख लेंगे, उससे फिर अपन ये देखेंगे कि पहले जो समाकलन किया गया था वो कौन से क्षेत्र पे किया गया था, पहले जो समाकलन किया गया था वो कौन से क्षेत्र पे किया गया था, ये अपन देखेंगे। देखो तो यहां अपन ने देखा ये x बराबर जीरो था, ये x बराबर इनफाइनाइट, ये y बराबर x, ये y बराबर इनफाइनाइट, तो पहले समाकलन इस क्षेत्र पे किया हुआ था, भाई y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट है, ये y बराबर x हो गया, ये y बराबर इनफाइनाइट हो गया, पहले जो पट्टी बनी हुई थी वो ऐसे बनी हुई थी,
पट्टी नीचे किसको टच कर रही थी, वाई बराबर एक्स को, और ऊपर किसको टच कर रही थी, वाई बराबर इन्फाइनाइट को। तो पहले जो पट्टी बनी हुई थी वो यहाँ बनी हुई थी। अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने के लिए पट्टी को बनाएंगे अपन एक्स एक्स के समांतर। अगर पट्टी एक्स एक्स के समांतर है तो वाई की लिमिट होंगी कॉन्स्टेंट। ये देख लो इस क्षेत्र के लिए वाई का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो वाई के लिए मान हो जाएगा वाई बराबर जीरो से वाई बराबर इन्फाइनाइट तक। एक्स की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे स्ट्रिप इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिसको भी टच कर रही है उसी से एक्स का मान निकाल लेंगे। तो अब समाकलन के क्रम में परिवर्तन करके अगर अपन लिखते हैं तो यहां आ जाएगा एफ एक्स वाई, डी एक्स डी वाई है उसकी जगह आ जाएगा डी वाई डी एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा, पहले वाई की लिमिट लिखेंगे, वाई की लिमिट होगी जीरो से इन्फाइनाइट, एक्स की लिमिट हो जाएंगी जीरो से वाई तक, जीरो से वाई तक। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसके अंदर बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन है वो ठीक होगा इसके अंदर। ये अंतर समीकरण का एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे अवकल समीकरण होती है, अवकल समीकरण है वो अवकलज संकारकों के बीच में संबंध होती है, वैसे अंतर समीकरण है वो अंतर संकारकों के बीच में संबंध होती है। सबसे पहले इसको अपन ई ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, यू एक्स प्लस टू है, इसको अपन लिख सकते हैं ई स्क्वायर यू एक्स माइनस सेवन ई यू एक्स प्लस टेन यू एक्स बराबर आ जाएगा ट्वेल्व इंटू फोर की पावर एक्स। ये आ जाएगा। अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस सेवन ई प्लस टेन यू एक्स बराबर आ जाएगा ट्वेल्व इंटू फोर की पावर एक्स। ये आ जाएगा। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सी एफ निकालेंगे, ये निकालेंगे, देखो सी एस निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एक ही बात है, सी एस निकालेंगे। और सी एस निकालने के लिए क्या करते हैं, ई की जगह अल्फा करके लिख देते हैं, इसका सहायक समीकरण लिखते हैं। अब यहां से अगर अल्फा के मान निकालेंगे तो अल्फा के मान आएंगे दो और पांच। यदि अल्फा के मान वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं तो सी एस लिखने का फॉर्मूला होता है सी वन अल्फा वन की पावर एक्स तो टू की पावर एक्स आ जाएगा प्लस सी टू फाइव की पावर एक्स आ जाएगा, ये इसका सी एस आ जाएगा। पी आई ज्ञात करने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान, जैसे अवकल समीकरण में होता है सेम वही तरीका यहाँ है। पी एस अगर अपने को निकालना है तो पी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ई का फंक्शन है इसको वन अपॉन में लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस सेवन ई प्लस टेन ये आएगा, साथ में आ जाएगा 12 इंटू फोर की पावर एक्स ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर देंगे, देखो इसके फैक्टर कर रहा हूं, इसके फैक्टर अपन कर रहे हैं, या सबसे पहले अपन ये सीधा e की जगह 4 रख के देख लेंगे, अगर e की जगह 4 रखने पे इसका मान जीरो नहीं हो रहा है तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो e की जगह अगर अपन यहां पे 4 करते हैं तो e की जगह 4 करने पे कितना आ रहा है, 16 माइनस 28 प्लस 10, जीरो नहीं बन रहा है तो बस बिल्कुल यही आंसर रहेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस के टू बन जाएगा, तो माइनस के सिक्स इंटू फोर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सी एस और इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा अपना, यहाँ अगर अपन देखें तो ये एक्स रहेगा, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो डी ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ डी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको अपन काम में लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं बीटा एम एन, बीटा एम एन बराबर होता है कितना, जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। एक ऐसा रिजल्ट वहां पे अपने नोट्स में लिखा था, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बीटा एम एन है उसमें लिमिट जीरो से वन होती है लेकिन इसमें लिमिट होती है जीरो से इनफाइनाइट, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां देखो ऐसी फॉर्म अपने को बनानी है, ऐसी फॉर्म अगर बन जाए तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो यहां अपन क्या करेंगे, देखो ऐसी फॉर्म बनाने के लिए यहां वन बनाना है, यहां वन कब बनेगा, यदि इसमें से अपन कुछ कॉमन ले लें, बी को कॉमन ले लें, तो यहां इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मैं ए एक्स बराबर ये पुट कर रहा हूं, इसमें ए एक्स बराबर मैंने पुट कर दिया बी वाई, ये पुट कर दिया ए एक्स बराबर मैंने बी वाई पुट कर दिया, ए एक्स बराबर बी वाई पुट करने का मतलब एक्स बराबर आ गया बी वाई अपॉन ए, ये आ जाएगा। एक्स बराबर अगर बी वाई आएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, बी अपॉन ए डी वाई, ये हो जाएगा। लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट तो वही रहेंगी, भी एक्स बराबर अगर जीरो लेंगे तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा, एक्स बराबर इनफाइनाइट लेंगे तो वाई बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये मान मैं इस इंटीग्रेशन में रख रहा हूँ, एक्स की जगह अपन रख रहे हैं इतना, एक्स की जगह मैं ये मान रख रहा हूँ तो बी अपॉन ए वाई की पावर आ जाएगा एम माइनस वन, नीचे ए एक्स की जगह मैंने मान लिया बी वाई प्लस बी की पावर एम प्लस एन आ जाएगा, डी एक्स की जगह आ जाएगा कितना बी अपॉन ए डी वाई, ये आ जाएगा बी अपॉन ए डी वाई आ जाएगा।
अब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, पूरे को अगर सोल्व करें तो b अपॉन a की पावर m माइनस वन है, यहाँ एक b अपॉन a, तो बाहर आएगा b की पावर m अपॉन a की पावर m, जीरो से इनफाइनाइट। ऊपर आ जाएगा y की पावर m माइनस वन, y की पावर m माइनस वन। यहां से भी अपन b कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी b कॉमन ले सकते हैं, तो b की पावर m प्लस एन बाहर चला जाएगा, यहां बन जाएगा y प्लस वन की पावर m प्लस एन, साथ में आ जाएगा dy, dy आएगा। इस b की पावर m से एक b की पावर m अपन कैंसिल भी कर देंगे। अब यहां पे अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, अब इसको अगर अपन देखें तो ये बन रहा है यहां से ये b की पावर n अपन बाहर ले सकते हैं, तो a m b n बन रहा है, और ये बन रहा है जीरो से इनफाइनाइट y की पावर m माइनस वन, वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई, ये बन रहा है। ये आ जाएगा वन अपॉन ए एम बी एन, और अपन जानते हैं कि निश्चित इंटीग्रेशन होता है उसमें y की जगह x लिखें या x लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये किसका फॉर्मूला है, बीटा एम एन का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यहां पे अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ए ऑप्शन यहां पे ठीक रहेगा, ए ऑप्शन है वो इसके अंदर सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये अगर अपन देखें तो गामा बीटा फंक्शन का सीधा फॉर्मूला ये बन रहा है, देख अभी अपन ने देखा था बीटा एम एन है वो किसके बराबर होता है, बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन यानी तीन बटा दो माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर, ऐसी फॉर्म अपने वो बनानी है, तो इसमें मैंने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, पांच बटा दो माइनस एक लिख सकते हैं। वन माइनस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं पांच बटा दो माइनस एक, साथ में डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इससे अगर अपन कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है इसका, इसका फॉर्मूला बन रहा है, और अपन जानते हैं बीटा एम एन है वो बराबर होता है गामा एम गामा एन, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो गामा पांच बटा दो को लिख सकते हैं तीन बटा दो एक बटा दो अंडर रूट पाई, ये भी आ जाएगा तीन बटा दो एक बटा दो अंडर रूट पाई, और नीचे गामा पांच है, गामा पांच को अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल चार। अब इस पूरे को अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहां पे बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। एन के किस मान को सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में प्रतिस्थापित करने पे हमें सिम्पसन का एक तिहाई नियम मिलता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहां पे अपन ये बात जानते हैं सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में, याद भी कर लो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में, अगर एन बराबर एक लेते हैं तो अपने को मिलता है ट्रेपीजोइडल नियम, ट्रेपीजोइडल नियम। इसके अंदर जो बहुपद होता है उसको एक घात का फलन माना जाता है, बहुपद को एक घात का फलन माना जाता है, यानी बहुपद को क्या माना जाता है, रैखिक फलन माना जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर बहुपद को क्या माना जाता है, एक घात का बहुपद इसके अंदर माना जाता है। एन बराबर दो लेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एक तिहाई नियम, एक तिहाई नियम प्राप्त होता है। इसके अंदर अपन बहुपद को क्या मानते हैं, दो घात का बहुपद मानते हैं, यानी बहुपद होता है उसको ऐसे माना जाता है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और वैसे अगर अपन देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, परवलय का फॉर्मूला है। तो ये जो सूत्र है इसको क्या कहते हैं अपन, परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है, सिम्पसन का एक तिहाई नियम है उसको परवलयिक सूत्र भी कहा जाता है। एन बराबर तीन अगर अपन लेते हैं तो सिम्पसन का थ्री वाई एट नियम अपने को मिलता है, ऐसे ही अगर एन बराबर छह लेंगे तो अपने को मिलता है वेडले का नियम मिलता है, यानी वेडले का नियम प्राप्त करने के लिए अपन बहुपद को छह घात का बहुपद मानेंगे। तो यहां पे ऑप्शन डी सही रहेगा। न्यूटन रैप्सन विधि से अंडर रूट एन का मान निकालना है, अंडर रूट एन को मान लिया सपोज मैंने एक्स के बराबर मान लिया, यहां से एन बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एन बराबर जीरो लिख सकते हैं। अब इसको मान लिया मैंने एफ एक्स, ये मान लिया एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा। अब न्यूटन रैप्सन सूत्र ये होता है, न्यूटन रैप्सन सूत्र है वो ये होता है, न्यूटन रैप्सन सूत्र ये होता है एक्स एन प्लस वन बराबर होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये सूत्र होता है। ये सारे मान यहां पे अगर अपन रख देते हैं इसमें तो एक्स एन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, ये सारे मान मैं यहां पे रख रहा हूं एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, एफ एक्स एन का मतलब हो गया एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन, नीचे आ जाएगा एफ डैश एक्स एन यानी टू एक्स एन, ये आ जाएगा,
यहाँ से अगर अपन देखें तो एक्स एन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टू अक्षर, और इस पूरी स्टेप को सोल्व करते हैं तो ये बनेगा एक्स एन स्क्वायर प्लस एन, ये बनेगा। तो यहां से एक्स एन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, वन वाई टू एक्स एन का इसमें भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस एन अपॉन एक्स एन, ये बन जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन है वो इसके अंदर ठीक रहेगा। आधारी हलों की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो आधारी हलों की संख्या देखने का एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, पर वो शॉर्ट मेथड ये है कि इनमें रेशियो देख लिया करो। यहां अगर अपन रेशियो देखें तो इसके अंदर रेशियो है एक अनुपात दो का, इनमें अगर अपन रेशियो देखें तो इनमें रेशियो क्या है, पहले दोनों चरों में अगर रेशियो देखें तो वो है एक अनुपात दो, इन दोनों में रेशियो देखें तो वो है दो अनुपात एक, इन दोनों में रेशियो देखें तो वो एक अनुपात दो है, यहां पे अगर रेशियो देखें तो वो कितना है एक अनुपात दो है। देखो तो अपने को आधारी हल किससे मिलेगा भाई, यहां पे अपने को दो दो चरों को जीरो करना पड़ेगा, तो आधारी हल कब प्राप्त होगा, यदि इनका जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा। तो यानी कहने का मतलब इसको और इसको अपन साथ में लेंगे तो एक आधारी हल अपने को मिलेगा। देखो जब इसको और इसको अपन साथ में लेंगे तो अपने को कोई आधारी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस समीकरण को हल ही नहीं कर पाएंगे अपन। अगर दोनों का रेशियो समान होगा तो उस समीकरण को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों को लेने से अपने को एक मिलेगा, इन दोनों को लेने से एक मिलेगा, और ऐसे इन दोनों को लेने से अपने को एक मिलेगा, इन दोनों को लेने से अपने को कोई आधारी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहां अगर अपन देखें तो आधारी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। रेशियो देख लिया करो, डिफरेंट रेशियो लेने से अपने को आधारी हलों की संख्या प्राप्त होती है।